हिंदुत्व को बेहतर तरीके से कौन समझता है? आज यह बात आम लोगों के सामने बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुत्व के मर्म को बीजेपी नहीं समझती है। सच तो यह है कि हिंदुत्व के गुण अर्थ को बेहतर ढंग से समझते हैं। राहुल गांधी के जन्म उदाहरण और गोत्र पूछने पर भाजपा को जवाब देते हुए उन्होंने भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महज सत्ता में बने रहने के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बीजेपी को हिंदुत्व एक हथियार की तरह नजर आता है, जिसका इस्तेमाल उनके नेता समय समय पर करते रहते हैं। राहुल ने तल्ख लहजे में सवाल किया, क्या देश के मंदिर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संपत्ति है? क्या वहां जाने का ठेका केवल मोदी और शाह के पास है? उन्होंने कहा, मेरा किसी भी मंदिर में भगवान के दर्शन का मन करेगा तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। मुझे मंदिर जाने के लिए भाजपा से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं हिंदू धर्म को भाजपा से बेहतर समझता हूँ। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि चूंकि वह हर धर्म के विश्वासों का सम्मान करते हैं, इसलिए वह मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और अन्य आराधना स्थलों में भी जाते हैं। राहुल ने कहा, मैं हिंदूवादी नेता नहीं बल्कि राष्ट्रवादी नेता हूँ। मैं हर धर्म, हर जाति, हर भाषा और हर वर्ग का नेता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा आगामी चुनाव से पहले फिर गरमाने की कोशिश को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा, मोदी सरकार भ्रष्टाचार मिटाने, जनता के अच्छे दिन लाने, युवाओं को रोजगार प्रदान करने और किसानों को सही दाम दिलाने के वादे निभाने में नाकाम रही है। मोदी सरकार के पास आगामी चुनाव में हार से बचने का अब केवल एक ही रास्ता दिख रहा है, लेकिन वो खुद को नहीं बचा सकेंगे।